अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चना चटपटा रमज़ान स्पेशल रेसिपी। तो इसके लिए ली हूँ मैं 200 ग्राम चना और इसको 6 घंटे आगे भिगो के रख दी थी मैं, और इसको अच्छे से वॉश कर ली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। तो मैं कुकर में ऐड कर रही हूँ 4 टेबल स्पून सरसों का तेल और हाफ प्याज जिसको मैं बारीक चॉप करके रखी थी, और इसको चलाते हुए फ्राई करना है जब तक प्याज का कलर चेंज ना हो जाए। तब तक के लिए चलाते हुए इसको फ्राई करना है। तो प्याज का कलर चेंज हो चुका है, इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। तो इसको चलाते हुए फ्राई करना जब तक कच्चा स्मेल ख़त्म ना हो जाए। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टी स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर। इन सब को ऐड करने के बाद इसको चलाते हुए भूनना है, और थोड़ा सा पानी में इसमें ऐड करके भूनूंगी। और गैस का फ्लेम मीडियम है, तो इसको चलाते हुए भून लेती हूँ मैं। तो इसको तब तक चला के भूनना है जब तक इसका पानी ना सूख जाए और पूरा तेल ना छोड़ दे साइड से। तो देखिए मसाला भुना चुका है, पूरा पानी सूख चुका है, और मैं इसमें चना ऐड कर दूँगी जो भिगो के रखी थी, और इसको 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम में चलाते हुए भून लूँगी। और इसके बाद मैं इसमें 1 ग्लास पानी ऐड करूँगी, और जब तक इसमें बॉईल ना आए तब तक कुकर का ढकना नहीं लगाना है। और इसमें मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। तो बॉईल आ चुका है, अब मैं इसमें कुकर का ढकना लगा के 3 सीटी इसमें लगा लूँगी, 1 सीटी हाई फ्लेम में और 2 सीटी लो फ्लेम में। तो 3 सीटी लग चुका है कुकर में और गैस बंद है, तो कुकर खोल ली हूँ मैं और इसको चला लूँगी। तो देखिए मसाला बैठा नहीं है और अच्छे से कुक हो चुका है चना। तो मैं आपको चेक करके दिखा दे रही हूँ, देखिए चना कितने अच्छे से गल चुका है एकदम। तो अब मैं इसमें 1/2 टी स्पून गरम मसाला ऐड करके इसको भून लूँगी मीडियम फ्लेम में। इसको अच्छे से भूनना है, इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए, सब पानी इसका सुखा देना है भूनते हुए। तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये, आप लोग ज़रूर एक बार अपने घर पर ट्राई कीजिए चना चटपटा मसाला रेसिपी। और देखिए इसका पानी सूख चुका है, मसाला भुना चुका है, अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दी हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 खीरा मैं चॉप करके रखी हूँ, और 1 मीडियम साइज का टमाटर चॉप करके रखी हूँ, और 1 हरी मिर्च, धनिया पत्ता, और 1/2 पाती नींबू, और 1/2 प्याज को मैं बारीक चॉप करके रखी हूँ। तो इन सबको ऐड कर दूँगी चने मसाले में। और जो मेरी रेसिपी की वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। ऐसे ही न्यू रेसिपी की वीडियो मैं लाते रहती हूँ। और 1/2 पाती नींबू का रस मैं ऐड कर दे रही हूँ इसमें, 1/2 टी स्पून चाट मसाला मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसको कंटिन्यू चलाते हुए मिक्स कर लेना है। जब तक ये सब मिक्स ना हो जाए तब तक चलाते हुए मिक्स करना है। तो हमारा चना चटपटा मसाला रेडी हो चुका है। तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले, इससे आपको मेरी न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। और रमज़ान के भी न्यू रेसिपी मैं लाते रहती हूँ, तो आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये, अब बहुत ही जल्दी बन जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।